गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि फ़िशिंग क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो फ़िशिंग बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारे जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस होते हैं, है ना, लाइक डेबिट कार्ड नंबर और CVV नंबर्स, वो हमारे जो OTP आते हैं उनको वो हमसे कैसे न कैसे, हमें कोई ना कोई प्रलोभन दे करके वे ऐसे इन्फॉर्मेशंस को हैक करते हैं, या तो फिर कहें हमसे वो जान लेते हैं और वह हमें कई तरीके से फाइनेंशियल लॉस पहुंचाते हैं। तो ये ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, जो मोबाइल में आने वाले OTPs हैं उनको वो कैसे भी करके हमसे मांग लेते हैं, या तो फिर जान लेते हैं, कुछ भी हथकंडे अपनाते हैं और हमारा, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो वो हमारे अकाउंट्स को भी साफ कर लेते हैं, हमारे कार्ड का यूज़ करके शॉपिंग कर लेते हैं, हमारे कार्ड का यूज़ करके वो विड्रॉल कर लेते हैं अमाउंट को। तो ये सारे फिशिंग के एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे ही जो फ्रॉडर्स होते हैं उनको फिशर्स कहा जाता है, और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसे फिशिंग कहते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस फिशिंग अटैक से हम कैसे जो फ़िशिंग करने वाले लोग हैं उनसे हम बच सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं। मैं अभी की बात बताऊं आपको, मेरे खुद के साथ ऐसा हो रहा था। तो देखिए हुआ ये है ना, मैं यहाँ रायपुर में रहता हूँ और मेरे मम्मी पापा रहते हैं बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में। तो हुआ ऐसा, उनके पास रात को 11 बजे के आसपास है ना कॉल जाता है कि राजनांदगांव है ना, कोविड सेंटर राजनांदगांव मोहला से हम बात कर रहे हैं और आपका जो बेटा है वो कोविड पॉजिटिव हो गया है, वो यहाँ पर एडमिट है, अचानक ही उनको यहाँ ला करके एडमिट किया गया है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है और कुछ महंगे स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, तो हमारे मतलब इनको देना ज़रूरी है। तो तुरंत के तुरंत अपना स्मार्ट कार्ड नंबर है ना, ATM कार्ड, जो हमारा डेबिट कार्ड नंबर है वो बताएं अभी के अभी, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, कुछ भी हो सकता है इनके पास। तो फिर मेरे मम्मी पापा रात को मुझे कॉल किए है ना कि कहाँ है तू, क्या हो गया तेरे को करके। फिर मैंने बताया मैं तो सेफ़ हूँ, मैं तो यहाँ ठीक ठाक हूँ, रायपुर में हूँ। तो देखिए है ना कैसे लोग एक से इनके पास प्लान होते हैं है ना, और मम्मी पापा इमोशनल होकर उनको यदि वो सारा इन्फॉर्मेशन उसी इंस्टेंट यदि शेयर कर दिए होते तो बहुत कुछ हो जाता। तो ये इनके फिशिंग के तरीके होते हैं। हमको कई फ्रॉड कॉल्स आते हैं कि भाई हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका आधार कार्ड अपडेट करना है, या तो आपका ATM कार्ड जो है वो ब्लॉक कर हो गया है, उसे रिन्यू करने के लिए आपका ये बताओ वो बताओ। तो ये तरह तरह के उनके हथकंडे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हम कैसे बचें, वो जो थेफ्ट होते हैं, जो ये काम करते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो हम सारा कुछ देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो एज यू नो, फिशिंग इज़ अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग द यूज़र टू स्टील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो फिशिंग एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें वो कस्टमर्स को, या तो फिर आम जो लोग होते हैं उनको, वो ऐसे ट्रिक्स से उनके जो कॉन्फिडेंशियल, जो गोपनीय इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको स्टील करते हैं, चोरी कर लेते हैं, जैसे कि पासवर्ड और किसी वेबसाइट का भी सहारा लेते हैं लोग। हमको ये लगता है कि सेफ़ वेबसाइट है, ऑफिशियल बैंक का वेबसाइट है, तो ऐसे वेबसाइट्स तक हमको ले जाते हैं, वहाँ से सारा कुछ इन लोग करा लेते हैं। सो फॉर द हैकर्स हैव यूज ईमेल्स टू लॉन्च दिस टाइप ऑफ अटैक, बट विद वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क एंड स्मार्टफोन्स विद इंटरनेट एक्सेस द टाइप्स ऑफ अटैकिंग आर मल्टीप्लाइंग। जैसे कि इनिशियली इन लोग ईमेल का सहारा लेते थे, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया नेटवर्क का चलन बढ़ गया है ना, हम फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो ऐसे सोशल मीडिया का यूज़ करके है ना, स्मार्टफोन का यूज़ करके जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन हो, तो ये जो अटैक्स हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिस ईमेल्स इंक्लूड अ लिंक दैट टेक्स द यूज़र टू साइट नोन टू हैव कॉन्फिडेंशियल वेबसाइट, बट दे आर मियर मिमिक्स विद जीरो कॉन्फिडेंशियल। तो होता यही है, ये करते क्या हैं, हमें ईमेल में लिंक भेजते हैं
और हमें किसी ऐसे वेबसाइट तक हमें रीडायरेक्ट करते हैं, ले जाते हैं, वहाँ पर हमारे सारे इन्फॉर्मेशंस को वो गैदर कर लेते हैं और वो मन चाहे तरीके से हमारे इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं। दस ओवर कॉन्फिडेंट यूजर्स हु डू नॉट हैव एडिक्युएट एंटीवायरस प्रोटेक्शन कुड बी इन्वॉल्व इन अटैक्स दैट आर एम टू स्टील पर्सनल डेटा। और कुछ ओवर कॉन्फिडेंट तरीके के यूज़र्स होते हैं और वो एंटीवायरस प्रोटेक्शन नहीं लेते अपने कंप्यूटर्स में, तो ऐसे ही लोग शिकार होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस विच इज अनफॉर्चुनेटली अफेक्टिंग सेवरल कंट्रीज, फिशिंग अटैक्स अट्रैक्टिंग पीपल विद अ प्रॉमिस ऑफ ग्रेट जॉब और ईजी वे टू गेट मनी। और अर्थव्यवस्था हमारी वैसे ही गिर रही है, सारे देशों, सारे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी जो है वो गिर रहा है, तो ऐसे में लोग बेरोजगार हो रहे हैं और उनको आसानी से पैसा मिले ऐसा कोई तरीका चाहिए, तो फिशिंग उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन होता है और यहाँ से वो लोगों को ठगते हैं। तो भाई अब चलिए देखते हैं कैसे हम बच सकते हैं। लर्न टू आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड फिशिंग ईमेल्स, जो हमें ऐसे ईमेल्स को पहचानना है जो सस्पेक्टेड हों, जिनमें हमें संशय हो कि ये फ्रॉड के हो सकते हैं। तो कैसे करें, कैसे पहचानेंगे भाई? देयर आर सम क्वालिटीज दैट आइडेंटिफाई एन अटैक थ्रू एन ईमेल। हम ईमेल के जरिए जो अटैक होने वाले हैं उनको हम पहचान सकते हैं। कैसे? दे डुप्लीकेट द इमेज ऑफ रियल कंपनी, है ना, उनका जो ईमेल आता है ना वो किसी ईमेल, हो सकता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ईमेल है, बोलते हैं आपको 40,000 पर मंथ वाला जॉब लगा है, ऐसा कुछ ईमेल है। कॉपी द नेम ऑफ द कंपनी और एन एक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही रिप्रेजेंट करेंगे हमको कि वो एग्जैक्टली वही ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ पर कोई हम एम्प्लॉय है उसी के नाम से ही अपने आप को पेश करते हैं। इंक्लूड साइट्स दैट आर विजुअली सिमिलर टू अ रियल बिजनेस, और जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सच में सच्चा वाला ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वेबसाइट है बिल्कुल हूबहू सेम वेबसाइट उन लोग डेवलप करते हैं। प्रमोट गिफ्ट्स और द लॉस ऑफ एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, वो कई तरीके के हमको प्रलोभन वाले गिफ्ट्स ऑफर करते हैं, या तो फिर बोलते हैं कि आपके अकाउंट में कुछ लॉस हो गया है तो भाई यही ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो ऐसे वो ईमेल से हम लोग उनसे बच सकते हैं। चेक द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनकमिंग ईमेल, तो देखिए हमारे पास जो मेल आता है ना, तो वो मेल आया कहाँ से है उसके बारे में हम पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो बड़े आसानी से हमसे उगलवा लेते हैं। योर बैंक विल नेवर आस्क यू टू सेंड योर पासवर्ड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाई मेल, बैंक जो है कभी भी पासवर्ड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल मेल से नहीं पूछता है। नेवर रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चंस एंड इफ यू हैव द स्लाइटेस्ट डाउट कॉल योर बैंक डायरेक्टली फॉर क्लैरिफिकेशन। और ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पूछा जाता है मेल में या पासवर्ड्स वगैरह को, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल हमें इग्नोर कर देना है, नज़रअंदाज कर देना है, और हमें थोड़ा सा भी यदि डाउट हो रहा है तो हमें सीधे सीधे बैंक को कॉल करना चाहिए क्लैरिफिकेशन के लिए। नेवर गो टू योर बैंक्स वेबसाइट बाय क्लिकिंग ऑन लिंक्स इंक्लूडेड इन ईमेल, तो देखिए डू नॉट क्लिक ऑन हाइपर लिंक्स और लिंक्स अटैच इन द मेल एज इट माई डायरेक्ट यू टू फ्रॉडलेंट वेबसाइट। तो देखिए हमें कभी कभी SMS आता है या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है ना, तो हम ऐसे लिंक पर टच करके क्लिक करके हमें ऐसे वेबसाइट्स को यूज़ बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो स्पेशली हमें व्हाट्सएप में आ रहे हैं, ईमेल में आ रहे हैं या टेक्स्ट मैसेज में आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। टाइप इन द URL डायरेक्टली इन योर ब्राउजर और यूज बुकमार्क्स फेवरेट इफ यू वॉन्ट टू गो फास्टर, यदि हमें बैंक का वेबसाइट हमें एक्सेस करना है तो भैया आप ब्राउज़र में जाएं, उसके URL में ही आपको जा करके वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना है, फॉर एग्जांपल www.sbionline समथिंग लाइक दैट, तो या तो फिर हम बुकमार्क बना लें अपने ब्राउज़र में, वहां से हम अपने बैंक के वेबसाइट को एक्सेस करें, तो ये भी एक तरीका है भाई फ्रॉड को, थेफ्ट को पहचानने का।
एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ योर कंप्यूटर. कॉमन सेंस एंड गुड जजमेंट इज अ विटल एज कीपिंग योर कंप्यूटर प्रोटेक्टेड विद अ गुड एंटीवायरस टू ब्लॉक दिस टाइप ऑफ अटैक. हमें अगर फिशिंग जैसे अटैक को ब्लॉक करने हैं तो हमें अपने एंटीवायरस में एक पावरफुल एंटीवायरस हमें यूज़ करना चाहिए. हमने अपने कंप्यूटर में एक पावरफुल एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए. इन एडिशन यू शुड ऑलवेज हैव द मोस्ट रिसेंट अपडेट ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेब ब्राउजर. और हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए. अगर लेटेस्ट भी नहीं तो उसको अपडेट करते रहना चाहिए. या वेब ब्राउज़र है उसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें, उन्हें अपडेट करते रहना चाहिए. एंटर योर सेंसिटिव डेटा इन सिक्योर वेबसाइट ओनली. हमें देखिए, जब हम लोग किसी वेबसाइट को एंटर करते हैं तो वहाँ पर HTTPS लिखा रहता है, S, ठीक है. तो ये सिक्योर्ड वेबसाइट्स हैं, है ना, जहाँ पर S लिखा है वो. तो हमें अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को, सेंसिटिव डेटा को सिक्योर वेबसाइट में ही हमें फीड करना चाहिए, इनपुट करना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें. पीरियडिकली चेक योर अकाउंट्स. इट नेवर हर्ट्स टू चेक योर बैंक अकाउंट्स पीरियडिकली टू बी अवेयर ऑफ एनी इरेगुलरिटीज इन योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. देखिए, हमें जो हमारा कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कब हो रहा है, कितने का हो रहा है, कितना अमाउंट बचा है, इन सब चीज़ को हमें डेली अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में जा करके हमको पीरियडिकली चेक करना चाहिए, सदैव चेक करते रहना चाहिए, है ना, ताकि कुछ हो रहा होगा, कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, हमें जल्द से जल्द पता चले और बैंक को हम कंप्लेन करें. फिशिंग डजंट ओनली पर्टेन टू ऑनलाइन बैंकिंग. मोस्ट फिशिंग अटैक्स आर अगेंस्ट बैंक्स बट कैन ऑल्सो यूज एनी पॉपुलर वेबसाइट टू स्टील पर्सनल डेटा सच एज ईबे, फेसबुक, पेपल एक्सेट्रा. तो देखिए, वो डायरेक्टली वो बैंक के वेबसाइट जैसा ही वो वेबसाइट बना करके आपको अटैक करिए हो नहीं सकता है. वो ईबे, फेसबुक, पेपल, ऐसे जो आपको फेमस वेबसाइट्स हैं उनके ज़रिए भी आपको वो हानि पहुंचा सकते हैं. फिशिंग नोज ऑल लैंग्वेजेस. फिशिंग नोज नो बाउंड्रीज एंड कैन रीच यू इन एनी लैंग्वेज. इन जनरल दे आर पुअरली रिटन और ट्रांसलेटेड, सो दिस मे बी अनदर इंडिकेटर दैट समथिंग इज़ रॉन्ग. तो देखिए, वो किसी लैंग्वेज में भी वो अपने लिंक्स को शेयर करेंगे या तो फिर आपसे वो बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और आपको वो हम पहुंचा सकते हैं. इसका अर्थ ये हुआ कि भैया वो कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज के चोर नहीं होते हैं, वो है ना, वो किसी भी लैंग्वेज में वेबसाइट बनाएंगे या तो SMS भेजेंगे या लिंक भेजेंगे और आप पर वो अटैक करेंगे. इफ़ यू नेवर यू गो टू द स्पेनिश वेबसाइट ऑफ योर बैंक, वाई शुड यू स्टेटमेंट नो बी इन दिस लैंग्वेज. भैया, आपको स्पेनिश आता नहीं है तो आप स्पेनिश वेबसाइट वाले बैंक का जो वेबसाइट उसमें क्यों जाएंगे, है ना, तो ये तो अनसेफ चीज़ है. हैव द स्लाइटेस्ट डाउट, डू नॉट रिस्क इट. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फिशिंग इज टू कंसिस्टेंटली रिजेक्ट एनी ईमेल और न्यूज़ दैट आस्क यू टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल डेटा. कहीं से भी कॉल आता है, कहीं से भी कुछ SMS आता है, कहीं से भी कुछ लिंक आता है, सीधे रिजेक्ट करिए, है ना. क्यों हम कॉन्फिडेंशियल डेटा दें आपको. डिलीट दिस ईमेल्स एंड कॉल योर बैंक टू क्लैरिफाई एनी डाउट्स. और ऐसे ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं, लिंक्स हैं, उनको डिलीट करें और बैंक को बिल्कुल पूछिए. चेक बैक फ्रिक्वेंटली टू रीड अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मालवेयर. और जितने भी मालवेयर्स आते हैं, जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, उनको आप बिल्कुल रीड आउट करते रहिए, जानते रहिए, क्योंकि सेम पैटर्न से उन लोग लाखों लोगों को लूटते हैं, है ना. तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए या तो फिर कोई मैगज़ीन पढ़िए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उनमें ऐसे इन्फॉर्मेशंस के बारे में हमको बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि वो कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इससे हम अवेयर होंगे. सो थैंक यू वेरी मच. आज के लेक्चर में फिशिंग होता क्या है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया. थैंक यू.